देश के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिला है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता और ये बात महिला और पुरुष पर भी लागू होती है। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के समान काम कर सकती हैं। इसी के चलते एनडीए में प्रवेश के द्वार महिलाओं के लिए खोलने का ऐलान किया गया था, लेकिन इसमें देर होती देख सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई है, साथ ही केंद्र को कड़े आदेश दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश में महिलाओं के अधिकारों का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल 21 नवंबर को एनडीए की प्रवेश परीक्षा होने वाली है और केंद्र ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि 21 नवंबर की वर्तमान परीक्षा में लड़कियों को ना शामिल करने की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के अपने अंतरिम आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुश्किल होगा क्योंकि महिलाओं की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। केंद्र को महिला उम्मीदवारों को नवंबर 2021 में होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि लैंगिक समानता के मुद्दों को टाला नहीं जा सकता। महिलाओं को नवंबर 2021 की परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए, हम इसे एक साल के लिए नहीं टाल सकते। कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा मानकों को अस्थायी रूप से अधिसूचित किया जाए, यूपीएससी नवंबर परीक्षा के लिए एक सही अधिसूचना जारी करें। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के बाद अगर कोई समस्या आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। रक्षा मंत्रालय को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी कदम उठाने चाहिए। कोर्ट का ये फैसला रक्षा मंत्रालय की उस प्रार्थना पर आया है जिसमें मंत्रालय ने कोर्ट से कहा था कि महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कुछ बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए महिलाओं को एनडीए प्रवेश में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मई 2022 तक का समय दिया जाए। टीवी लाइव की रिपोर्ट।